आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां हिमाचल का सीएम जयराम का दिल्ली दौरा जारी है। आज सीएम के दिल्ली दौरे का चौथा दिन है, तो चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि इस दौरे में क्या कुछ खास है। हिमाचल प्रदेश के मुखिया सीएम जयराम ठाकुर अपने दिल्ली दौरे पर आलाकमान से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और प्रदेश के विकास में चर्चा भी कर रहे हैं। तो चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि सीएम जयराम ने किन से मुलाकात की और किन किन मुद्दों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी से जयराम की मुलाकात, इन्वेस्टर्स मीट का शुभारंभ करने का धन्यवाद किया, लंबित विभिन्न परियोजनाओं को जल्दी स्वीकृति देने का आग्रह किया, राज्य सरकार को उदार सहायता देने का आग्रह किया, प्रदेश के विकास कार्यों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात, राज्य मार्ग के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित करने का आग्रह किया, बस अड्डों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति को शीघ्र प्रदान करने का आग्रह, शोध संस्थान के लिए शेष राशि आवंटन कराने का आग्रह किया, तांदी संसारी नाला राष्ट्रीय हाईवे को नए एनएच घोषित करने का आग्रह किया, समदो काजा सड़क को लोक निर्माण विभाग को देने का आग्रह किया, उक्यारली घाट शिमला बाईपास के रखरखाव के लिए धनराशि की मांग की, कुल्लू मनाली NH21 के लिए 7.50 करोड़ रुपए देने का आग्रह किया, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात, चंडीगढ़ मध्य रेल लाइन पर काम में तेजी लाने का आग्रह किया, ऊना हमीरपुर रेल लिंक के निर्माण के लिए अनुरोध किया, राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हर संभव मदद का वादा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात, रोहतांग सुरंग को जल्द पूरा करने का आग्रह, राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया था कि मई 2020 तक टनल को शुरू करने का प्रयास होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात, बाह्य सहायता प्राप्त योजना प्राप्त योजनाओं को शुरू करने पर चर्चा, केंद्रीय वित्त मंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। वित्त मामलों पर अनुराग ठाकुर से भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात, महिला कपड़ा और बाल विकास परियोजनाओं पर चर्चा की, स्मृति ईरानी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात, मंडी जिले में हवाई अड्डे को हरी झंडी, संयुक्त उद्यम में किया जाएगा हवाई अड्डे का निर्माण, हवाई अड्डे का निर्माण राज्य सरकार और AIE करेगी, हवाई अड्डे के लिए प्राधिकरण DPR होगा तैयार, राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया करेगी तेज, शिमला के गग्गल और भुंतर हवाई अड्डे में लैंडिंग की अड़चनों पर चर्चा, मौजूदा हवाई अड्डों के रनवे विस्तार पर भी चर्चा हुई, एयर एम्बुलेंस की सेवाओं को मजबूत करने पर चर्चा। प्रदेश में विकास के लिए जयराम सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्रीय मंत्रियों और आलाकमान से सीएम जयराम ठाकुर की यह मुलाकात प्रदेश को कहां तक ले जाएगी, फिलहाल ये देखना काफी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता TV।